आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन का वाईफाई जो है कनेक्टेड होने पर भी वाईफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन के लिए करना यह है, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन का ये जो फाइल का ऐप होता है इसे ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर की साइड ये इंस्टॉल ऐप, इंस्टॉल ऐप पे टैप करेंगे तो आपका ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको जो ना नीचे की साइड में आना है, ठीक है ना। नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है मेटा सर्विस का, ये वाला मेटा सर्विस पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखाता हूं करके, ये देखिए जीरो हो जाता है। अब आप अगला काम करना क्या, बैक पेज पे जाना है, ठीक है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो ये जो मेटा सर्विस आपने सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में अब आपको एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका ये वाला पेज आएगा, इस पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे इस पेज में आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन का जो डेटा है उसका आप बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।